हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू। आज मैं आपके लिए कैप बना कर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कैप बनाई हूँ 4 कलर में। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है और इसकी डिजाइन बहुत ही इजी है। और फ्रेंड्स, इसके साथ में देखिए पूरे सेट में मैं बना रखी हूँ। देखिए इसके साथ में फ्रॉक बनाई हूँ, हेडबैंड और क्लिप भी मैं बना रखी हूँ। तो ये हेडबैंड, फ्रॉक और एक क्लिप के वीडियो में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ। आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। आप देखकर बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से सेट बनी हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं या फिर आप अपने बेबी के लिए भी बनाकर पहना सकती हैं। बहुत ही सुंदर ये फ्रॉक है और इसकी डिजाइन बहुत ही ईजी है। ताई देखिए फ्रेंड्स, मैं एक कैप में बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इसको साइड कर लेती हूँ और देखिए ये मैं कैप बनाना स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैं देखिए येलो कलर का ऊन ली हूँ और 3 mm की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। ये जो ऊन जो है पतली है, इसलिए मैं डबल करके मैं बना रही हूँ। आप 4 ply के ऊन से बना सकती हैं। पहले मैं देखिए इस तरह से गांठ लगा लूंगी। गांठ लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 चेन बनाने के बाद यहाँ से मैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 5 चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। दोबारा सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 chain और सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी, 2 double crochet बनाऊंगी 1, 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 chain छोड़कर ये लास्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद यहाँ पर 3 chain बनाऊंगी 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है इस तरह से। इसके बाद मैं सेकंड रो में मैं बनाऊंगी बैक साइड से। यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 2 double crochet बनाऊंगी। इसके बाद सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी, 2 double crochet बनाऊंगी 1 chain। इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी, 2 double crochet बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद लास्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद 3 chain। तो देखिए इस तरह से सेकेंड रो भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में 3 chain, इसके बाद यहाँ पे 2 double crochet 1 chain, 2 double crochet और लास्ट में 1 double crochet। तो इस तरह से पैटर्न ये बन रही है। सेम इसी तरह से पैटर्न इसको बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से 2 double crochet बनाऊंगी 1 chain, 2 double crochet। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे 1 double crochet। इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी 14 रो में कंप्लीट करूंगी। जैसे कि मैं देखिए ए में बनाई हूँ, 14 रो में पूरी कंप्लीट कर रखी हूँ। इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी इसे। देखिए फ्रेंड्स, मैं 14 रो में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से पैटर्न बन गई है। जैसे कि फर्स्ट सेकेंड रो में बनाई थी, सेम उसी तरह से बनाते हुए मैं 14 रो कंप्लीट करके धागे को मैं कट कर ली हूँ। तो सेम इसी तरह से मैं 3 pattern में बनाकर कंप्लीट की हूँ। देखिए सेम कलर में। इसके बाद में देखिए 3 color में मैं पैटर्न बनाई हूँ, 3 pattern। जैसे कि मैं फ्रॉक जो मैं बनाई थी, फ्रॉक का सेम डिजाइन में मैं कैप बना रही हूँ। तो देखिए 3 pattern कंप्लीट कर रखी हूँ। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं येलो कलर के बनाई हूँ, सेम उसी तरह से 3 color में मैं बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद सारे पैटर्न को मैं ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए किस तरह से ज्वाइंट करती हूँ।
ज्वाइंट में व्हाइट ऊन से करूंगी। तो पहले मैं येलो कलर कर लूंगी, इसके बाद ये यहाँ पे इस तरह से रखूंगी। ये टू कलर को मैं ज्वाइंट करूंगी पहले, इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशी डालूंगी, धागा को इस तरह से रख लूंगी जिससे कि फिनिशिंग यहाँ पे बनेगी, और इस तरह से गांठ लगाकर मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर लूंगी। इसके बाद देखिए इसमें मैं क्रोशी डालूंगी, और एक चीज आप ध्यान जरूर दीजिएगा, जैसे कि ये जो पैटर्न है सारे पैटर्न एक साइड से होने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशी डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशी बना लूंगी। इसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ पर क्रोशी डालूंगी येलो कलर के पैटर्न में, सिंगल क्रोशी बनाऊंगी। इसके बाद देखिए एक ग्रीन कलर के पैटर्न में क्रोशी डालूंगी और सिंगल क्रोशी बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे वन चेन बनाऊंगी और यहाँ पे क्रोशी डालूंगी, सिंगल क्रोशी, वन चेन, सिंगल क्रोशी, वन चेन। देखिए दोनों कलर के पैटर्न में इस तरह से क्रोशी डालते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ मैं, वन चेन बनाते हुए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे टू चेन बनाऊंगी, टू चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिए, टू चेन, सिंगल क्रोशिए, टू चेन, सिंगल क्रोशिए, टू चेन, सिंगल क्रोशिए। इसके बाद यहाँ पर थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पैटर्न है ज्वाइंट हो रही है और डिजाइन इस तरह से बन रही है। इसके बाद थ्री चेन बनाते हुए सारे यहाँ तक मैं पूरे ज्वाइंट कर लूंगी, मैं चेन नहीं बढ़ाऊंगी। इसी देखिए थ्री चेन और सिंगल क्रोशिए, थ्री चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिए, थ्री चेन, सिंगल क्रोशिए। इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूंगी नीचे तक। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। लास्ट में यहाँ पर देखिए थ्री चेन बनाऊंगी, और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशी डालूंगी और सिंगल क्रोशिए बनाते हुए ज्वाइंट कर लूंगी, वन चेन बनाकर ये धागे को मैं कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो गई है। सेम उसी तरह से मैं देखिए यहाँ पे गधा कलर का पैटर्न लाऊंगी, इस तरह से ज्वाइंट करूंगी जिससे कि मैं ये ज्वाइंट की हूँ। यहाँ पे क्रोशी डालूंगी पहले और इस तरह से उनको ज्वाइंट कर लूंगी गांठ लगाकर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशी डालूंगी और सिंगल क्रोशी बनाते हुए पैटर्न को ज्वाइंट कर लूंगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशी डालूंगी, सिंगल क्रोशी, यहाँ पे क्रोशी डालूंगी, सिंगल क्रोशी, देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे वन चेन, सिंगल क्रोशी, वन चेन, सिंगल क्रोशी, वन चेन, सिंगल क्रोशी, वन चेन, सिंगल क्रोशी, देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे टू चेन बनाऊंगी और सिंगल क्रोशिए, टू चेन, सिंगल क्रोशिए, टू चेन। तो देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से सारे पैटर्न में ज्वाइंट करूंगी कि टू चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिए, टू चेन, सिंगल क्रोशी, थ्री चेन,
सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे यहाँ तक ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए येलो कलर के ज्वाइन करूँगी, इसके बाद ये ग्रीन कलर आएगी, इसके बाद मरून। इस तरह से ज्वाइन करते हुए सारे पैटर्न को ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे किस तरह से बनानी है। तो पहले मैं इतना ज्वाइन कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे पैटर्न में ज्वाइन कर ली हूँ। इसकी मैं आपको मेजरमेंट में आपको बताती हूँ। देखिए क्योंकि ये जो नीचे की फेस में अगर इसको मेजरमेंट करती हूँ तो ये पूरी 16 इंचज करीब है। देखिए 16 इंच, और इसकी लंबाई जो है देखिए 6+ है, 6.5 इंच। नीचे में मैं बॉर्डर बनाऊंगी और इसको इस तरह से स्टिच होगी। देखिए इस तरह से कैप आएगी। तो पहले मैं क्या करूंगी, ये जो है लास्ट वाले इससे भी मैं ज्वाइन कर लूंगी। इसको इस तरह से ज्वाइन करके गोल में बना लूंगी। देखिए जैसे कि बाकी पैटर्न में ज्वाइन की हूँ सेम उसी तरह से ऐसे भी मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं बॉर्डर बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे गांठ लगाकर ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद दूसरी पैटर्न में सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, सिंगल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इसके बाद यहाँ पे 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से चाहे जैसे कि बाकी पैटर्न में ज्वाइन की हूँ सेम उसी तरह से ज्वाइन करते हुए इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे इस तरह से बॉर्डर बनाऊंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न मैं इस तरह से ज्वाइन कर ली हूँ लास्ट में भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। इसके बाद देखिए इस तरह से करूँगी और किनारे में बॉर्डर बनाऊँगी। तो पहले देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए निकाल लूँगी। इसके बाद देखिए 1, 2, 3 थ्री चेन बनाऊंगी। थ्री चेन बनाने के बाद देखिए ये जो व्हाइट कलर का चेन है यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1, 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी और 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है, ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न में मैं देखिए 1, 2, 3, 4 ये 5 डबल क्रोशिया में बनाऊंगी। सारे पैटर्न में इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए जो मैं थी चेन बनाई थी यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो जैसे कि ये बीच वाला जो व्हाइट कलर से जो ज्वाइंट की हूँ ये पैटर्न में मैं 3 डबल क्रोशिया उठा रही हूँ और ये पैटर्न में 5 डबल क्रोशिया उठाऊंगी। देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लूंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट कर लूँगी डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी राउंड डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से 1, 2, 3 चेन बनाऊंगी। थ्री चेन बनाने के बाद देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए बैक साइड से मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
देखिए मैं चेन में क्रोशिए नहीं डाल रही हूँ, इस तरह से यहाँ पर मैं डबल क्रोशिए में इस तरह से अंदर की ओर से क्रोशिए डालूंगी, इस तरह से डबल क्रोशिए बनाऊंगी, बैक साइड से क्रोशिए डालूंगी और डबल क्रोशिए बनाऊंगी, फ्रंट साइड से डबल क्रोशिए, बैक साइड से डबल क्रोशिए। देखिए इस तरह से बॉर्डर बन रही है। इसी तरह से बनाते हुए मैं सेकेंड रो कंप्लीट कर लूँगी। मैं सेकेंड रो में बना रही हूँ बॉर्डर की। देखिए फ्रेंड्स मैं सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद थ्री चेन बनाऊँगी और इस तरह से मैं क्रोशिए डालूंगी और डबल क्रोशिए बनाऊंगी, बैक साइड से क्रोशिए डालूंगी और डबल क्रोशिए बनाऊंगी, फ्रंट साइड से क्रोशिए डालूंगी डबल क्रोशिए बनाऊंगी, बैक साइड से क्रोशिए डालूंगी डबल क्रोशिए बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं सेकेंड रो बनाई थी सेम उसी तरह से थर्ड रो में बना रही हूँ। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए थर्ड रो में कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो में कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूंगी, वन चेन बनाकर ये धागा को मैं कट कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए ये जो धागा है इसको इस तरह से चैन में फंसाते हुए मैं फिनिशिंग कर लूंगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद देखिए एक कथा कलर का मैं ऊन लूंगी और यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से गांठ लगाकर मैं ज्वाइंट कर लूंगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए निकाल लूंगी, वन चेन बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से निकाल लूंगी। ये जो छोटे सा धागा है इसको मैं इस तरह से रख लूंगी जिससे कि फिनिशिंग अच्छी से बनेगी। वन चेन, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, स्लिप स्टिच बनाते हुए निकाल लूंगी, वन चेन। देखिए इस तरह से बन रही है। एक किनारी में बना रही हूँ तो देखिए इस तरह से एक किनारी बनेगी, वन चेन स्लिप स्टिच इस तरह से बनानी है। देखिए इस तरह से वन चेन स्लिप स्टिच, इसी तरह से बनाते हुए किनारी में पूरी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं किनारी बना ली हूँ। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूंगी, वन चेन बनाकर ये ऊन को मैं कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए ये जो धागा है इसको बैक साइड से मैं फिनिशिंग कर लूंगी। देखिए इस तरह से, देखिए बॉर्डर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। धागा को मैं फिनिशिंग कर ली हूँ। इसके बाद देखिए इसको मैं स्टिच करूँगी और पॉम पॉम बोल बनाकर यहाँ पे मैं लगा लूँगी। तो इस तरह से कैप कंप्लीट हो गई है। तो पहले मैं पॉम पॉम बोल बना लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टिच करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं पॉम पॉम बोल बना ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसे स्टिच करूँगी। देखिए देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद देखिए ये जो धागा है इसको मैंने इस तरह से टाइट करके मैं खींचूँगी। इसका देखिए यहाँ पे छोटी सी होल बनेगी।
और ये दोनों धागा के इस तरह से मैं गांठ लगा लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं देखिए ये पॉम पॉम बॉल में इस तरह से मैं सुई डालूंगी। और यहाँ पे मैं चारों तरफ से अच्छे से मैं स्टिच कर लूंगी। देखिए इस तरह से आएगी। इसको मैं अच्छे से स्टिच करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये पॉम पॉम बॉल को मैं अच्छे से स्टिच कर ली हूँ। देखिए इस तरह से कैप कंप्लीट हो गई है। ये मैं 1 ईयर की बेबी के लिए मैं बनाई हूँ कैप। तो देखिए यहाँ पे ये फ्लावर में बनाई हूँ। ये फ्लावर यहाँ पर आप स्टिच कर सकते हैं या फिर नहीं भी फ्लावर लगाएंगे तो भी ये कैप बहुत ही सुंदर लगेगी क्योंकि मल्टी कलर में है, 3 कलर में से मैं बनाई हूँ। इस तरह से फ्लावर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे तो और अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिज़ाइन जो है बहुत ही ईजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके साथ में फ्रॉक भी मैं बनाई हूँ। फ्रॉक की भी वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।